हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड ये वीडियो है, ये मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। एक्चुअली बजे है अभी यहाँ पे आफ्टरनून के 4 और 4 बजे ही मैं प्रहान को सुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट अभी तक ये सो नहीं रहा था। सो यहाँ पे देखिए गद्दे के अंदर वो जाके घुस गया है और बस अभी हमारे घर में आने वाले हैं एक गेस्ट। सो उनका फ़ोन आया कि हम लोग 6 के 7 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। सो इसीलिए मैं ट्राई कर रही थी कि प्रहान अभी सो जाए तो 6 बजे तक उठ जाएगा, तो रात को थोड़ा सही से मतलब सबके साथ खेलेगा, वरना फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है ना। बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं तो शाम तक वो थक जाता है। सो यहाँ पे उसको सुला दिया था और उसके बाद 6 बजे उसे उठा दिया और मैं उसको लेके चली गई थी मार्केट, क्योंकि अचानक से गेस्ट आए थे तो सब्जियाँ वगैरह घर में नहीं था और फ्रूट्स भी कुछ भी नहीं था। तो चलो मैंने सोचा कि शाम को ही ले आते हैं। वैसे मैं जो भी सब्जियाँ वगैरह लाती हूँ वो मॉर्निंग वाली जो हम पे मार्केट लगती है वहीं से लाती हूँ, बट आज अचानक से जाना था तो ये इवनिंग वाली जहाँ पे मार्केट लगती है वहाँ से मैं लेके आई थी। और बस यहाँ पे किचन में मैंने ये जो ओवन के ऊपर जो कवर था वो धोने के लिए डाला था, तो यहाँ पे कवर दूसरा कवर लगा दिया है। और कवर के लिए मैं पुरानी जो बेडशीट रहती है और जो मुझे अच्छी लगती है थोड़ी कलर्स में वो मैं यूज़ करती हूँ, उसकी 3-4 फोल्ड करके इस तरह से रख देती हूँ। और उसके ऊपर अभी तो मैंने ये फ्रूट बास्केट रख दिया है। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से चली गई थी, प्रहान उठा तो उसे लेके, तो मैंने इवनिंग की चाय है वो नहीं पी थी, तो आने के बाद मैंने चाय पी है अपनी। और सारी सब्जियों को जो मैं लेके आई थी तो एक बड़े से तपेले में डाल के उसको धोने के लिए रख दिया है। और अभी सीज़न आ गई है थोड़ी ठंडी की, सो बैंगन भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, जो बैंगन भरता बनाते हैं गुजराती में, हमें उसे ओड़ो बोलते हैं। सो यहाँ पे 1 किलो बैंगन लाई थी क्योंकि अभी शाम का टाइम है और बहुत सारी सब्जियाँ वैसे शाम को अच्छी नहीं लगती, इतनी सारी बैंगन वगैरह, 1-2 सब्जी ऐसी होती है कि शाम को अच्छी लगती है। सो आज मैंने सोचा कि ये बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं बैंगन को वॉश कर रही थी तो मेरी हेल्प करने प्रहान भी आ गया था, उसे पानी वाली चीज़ें में हेल्प करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे अभी तो मैंने सब्जियों को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया है, उसके बाद सुखा दूंगी। और यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगी बैंगन भरता, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैंगन को पहले रोस्ट करूंगी। और बैंगन को रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने बैंगन को पहले अच्छे से कपड़े से क्लीन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ऊपर के साइड पे जो इसकी एक्स्ट्रा डंठल जैसा होता है मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। और उसके बाद सारे जो बैंगन है उसमें मैं चप्पू से ही थोड़े थोड़े कट्स लगा देती हूँ इस तरह से, ताकि अंदर से भी ये जल्दी से और अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखिए इस तरह से थोड़े बड़े बड़े कट लगाती हूँ। और कई लोग इसके अंदर हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह ऐड करते हैं, 1-2 वीडियो में मैंने भी किया था, बट आज मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, फटाफट करना है। सो यहाँ पे उसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये जो बैंगन के ऊपर से जो उसकी स्किन है वो आसानी से निकल जाए। और बस यहाँ पे देखिए मैंने ये जाली रखी है ताकि नीचे डायरेक्ट मेरा जो गैस का बर्नर है वो ख़राब ना हो। और जैसे ही यहाँ पे बैंगन को रोस्ट कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, करीब आधा घंटा लगता है बैंगन को रोस्ट करने में गैस के ऊपर, और बारी बारी से उसे चेंज भी करना पड़ता है, सो हमें यहीं पे खड़े रह के करना ज़्यादा सही रहता है। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि प्याज वगैरह कट कर देती हूँ, तो मेरे पास हरी वाली जो प्याज अभी मार्केट में आने लगी है बहुत ही अच्छी आने लगी है और ओड़ो में वो बहुत अच्छी लगती है भरते के अंदर। सो मेरे पास 4-5 बड़ी बड़ी प्याज पड़ी थी, सो मैंने उसी को कट कर लिया है। और अभी तो एक पूरा जो बैंगन है वो भी अच्छे से सेका नहीं था मैंने, और तभी मेरा जो गैस की बोतल है वो ख़त्म हो गई। और जब भी मेरा हर टाइम ना ऐसा ही होता है कि कोई जब आने वाला होता है और मुझे जब लेट हो रहा होता है ना, अचानक से मतलब कैसे ही कोई आ जाता है ना, तो उस टाइम पे गैस की बोतल ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरा काफ़ी बार ऐसा ही हुआ है कि उसी टाइम पे गैस ख़त्म होती है। और हमारे यहाँ पे ये जो कॉर्नर है जहाँ पे मैं गैस जो स्टोव है ये रखती हूँ, सॉरी गैस की ये बोतल जहाँ पे रखती हूँ, तो उसके लिए
उसको निकालने के लिए मुझे आगे ये सारी चीज़ें जो है वो हटानी पड़ती है, जैसे वो डब्बे वगैरह। और उसके बाद जाके ये बहुत ही छोटा सा ये ड्रॉवर है, तो ये गैस की बोतल थोड़ी सी परेशानी के बाद अंदर जाती है और थोड़ी परेशानी के बाद वो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे बस यही अभी बोतल चेंज कर रही ही थी तब तक ये लोग आ गए थे, और उसके बाद बोतल चेंज कर दी और फटाफट सारी चीज़ें मैंने फिर से अरेंज कर दी। वरना हर बार मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी ऐसे बोतल ख़त्म होती है तो ये जब सारी चीज़ें निकालती हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे पोछा वगैरह भी लगा देती हूँ, बट आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और बस यहाँ पे सारी चीज़ों को फिर से मैंने रख दिया है। अब वीडियो में तो ये फास्ट फॉरवर्ड में लगता है कि जो ये तो 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट में तो हो गया होगा, बट इन सब चीज़ों को करने में टाइम तो लगता है। और यहाँ पे बस अभी दे रही हूँ तीनों लोगों को पानी, और बस उसके बाद यहाँ पे मैंने बारी बारी से बैंगन को रोस्ट करने के लिए रख दिया फटाफट, और साथ में मैंने टमाटर अदरक वगैरह सारी चीज़ें रेडी करके ही रखी थी कि एक बार जो बैंगन है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, उसके बाद फटाफट से बैंगन का भरता बना लेंगे और उसके बाद फटाफट से डिनर कर लेंगे, क्योंकि बाहर से कोई आता है तो उन लोग सबको भूख भी जल्दी लग जाती है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आसानी से मेरी जो बैंगन के ऊपर की स्किन जो है ब्लैक कलर की वो निकल रही है, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं ना तो फटाफट हो जाता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने मिर्ची को फ्राई कर लिया था, और उसके बाद एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके ऑयल लिया है, बैंगन भरते में पानी नहीं डलता इसलिए ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। और एक बार ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद उसके अंदर राई, जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है, और साथ में मैंने यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा हरा वाला लहसुन भी पड़ा था तो उसे भी बारीक कट करके ऐड कर दिया, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे हरी वाली जो प्याज है वो सब ऐड कर दी है। और अच्छे से इसे हम थोड़ी देर कुक करेंगे, और प्याज को गोल्डन ब्राउन जैसा नहीं करना, हल्का सा ही उसे उसका जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए तब तक ही इसे कुक करना है। करीब 5 से 7 मिनट प्याज को कुक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को भी धीमी आंच पे कुक होने देंगे और बारी बारी से उसे चलाते रहेंगे। जब दोनों में से इस तरह से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तब मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है, और कुछ भी मसाले मैं ऐड नहीं करती। और नमक अभी मैंने नहीं डाला, नमक मैं लास्ट में डालूंगी। और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हल्का सा इस तरह से प्रेस करूंगी ताकि टमाटर के जो बड़े बड़े पीसीस है वो अच्छे से गल जाए, और बस उसी के साथ ऐड कर देंगे ये जो हमने भरता रेडी किया था बैंगन का, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। एक जो बैंगन था उसमें बड़े बड़े बीज थे थोड़े, सो उसे मैंने थोड़ा जो उसका जो पोर्शन था वो हटा दिया था, और बैंगन डाल दिया है यहाँ पे और उसके साथ नमक ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और करीब 5 मिनट के लिए अभी इसे हम कुक करेंगे। और उसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया ऐड किया है, और यहाँ पे हरा धनिया डाल के अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और बस यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा लेमन ऐड करती हूँ, जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी है, वो आजकल भरते में लेमन ऐड करती है, सो मैं भी ऐड करना मैंने भी शुरू किया है, और इससे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है तो खाने में अच्छा लगता है। बस और यहाँ पे देखिए बाजरे की जो रोटी है वो बन गई है, और दही मैं लेके आई थी, 1 किलो में अमूल का दही लाई हूँ क्योंकि भरते के साथ दही अच्छा लगता है, सो यहाँ पे दही भी निकाल के रख दिया है, रोटी बन गई है। पापड़ जो है वो खाने के टाइम ही मैं सीखूंगी, और थोड़ी सी यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ क्योंकि अगर किसी को रोटी खानी हो तो, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को भी रोटी की ज़रूरत रहती है, सो यहाँ पे मैंने 15-20 जितनी रोटी भी बना ली थी, और बस उनके बाद डिनर करके रात को 12-12:30 तक हम लोग जाग रहे थे, सब बातें कर रहे थे, और बस उनके बाद सो गए थे। और सुबह उठ के थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, घर में कोई आता है तो मैंने उठ के सीधा ही सब लोगों के लिए चाय पराठा वगैरह बनाया, और वैसे रेगुलर बेसिस पे हम लोग नाश्ता इतना नहीं करते, सो मेरा
आज मॉर्निंग का जो टाइम था, जिस टाइम पे मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, तो जब कोई आता है तब मेरा ये जो काम है वो जैसे बंद ही हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हेल्प भी जनरली हम लोगों को किसी की मिलती नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोल रही हूँ। और बस यहाँ पे सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर मैंने नहाया, और वो लोग जो काम से आए थे वो काम करने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, और बस उनके बाद मैंने यहाँ पे कल के जो कपड़े वगैरह पड़े थे, सो मैंने सोचा कि सबको मैं घड़ी करके रख दूँगी, वरना इधर से उधर डालो, उधर से उधर डालो, बस उसी में आज का दिन भी मेरा चलने वाला था। और बस यहाँ पे ये लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से और बैठे थे, सो मैं यहाँ पे अपने कपड़े जो वगैरह है वो सही कर रही हूँ, और उसके बाद लंच की वगैरह तैयारी करूँगी। और यहाँ पे प्रहान भी साथ साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। और प्रहान ने तो जैसे कोई आता है तो खाना पीना ही छोड़ देता है, मेरे बेटे का तो यही है कि जब भी घर में कोई गेस्ट आता है, हम तीन के अलावा घर में कोई भी आता है, तो वो बस ओनली दूध पे ही रहता है। उसको कितना भी मैं समझा लूँ, कितना भी बैठ के उसको मतलब जो मर्जी चाहे उसके साथ, मतलब कभी गुस्सा भी करूँ, कभी प्यार से भी खिलाऊँ, बट वो खाना प्रीफर ही नहीं करता। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, मतलब बच्चे हमारे और वो कुछ खाते नहीं है, एक दिन दो दिन तक बस ओनली दूध पे ही रहता है। सो कभी कभी दुख भी होता है कि ये मेरा बेटा क्या कर रहा है। और चलिए ये तो ठीक है, लगा रहता है सबका। और बस बातों बातों में यहाँ पे मेरे सारे जो कपड़े हैं वो मैंने तय बना के सही कर लिए और उनको अपनी जगह पे भी रख दिया है। और उसके बाद मैं कच्छ गई थी थोड़े दिनों पहले, तो वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाई थी, और बस यहाँ पे वे लोकल थोड़ी शॉपिंग की थी। तो लेडीज़ लोगों का जनरली हमारा ऐसा होता है ना कि जब कोई मिलते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, सो यहाँ पे बस वही जो भी सारी चीज़ें मैंने ली थी वो सबको दिखा रही थी। और देखने के बाद उनका भी मन कर गया कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगता है, तो अभी लगा हो तो हम भी जाएं। और आज दिन था सैटरडे, और ये वीडियो जब सैटरडे का था, सो एग्जीबिशन लगा ही था, तो मैंने कहा कि आज एग्जीबिशन है ही, अगर आपको जाना है तो हम लोग मतलब जा सकते हैं। आज सैटरडे और संडे दो दिन एग्जीबिशन रहने वाला था, सो यहाँ पे मॉर्निंग का सारा काम तो हो गया था, और उसके बाद हम लोग चले गए एग्जीबिशन में। वहाँ से बहुत लेट आए, 1:30 से 2 जितना बज गया था, और उनके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले गए। मैंने घर पे आके फटाफट से सबके लिए लंच बनाया, बेसिक सा ही लंच बनाया था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और उसके बाद प्रहान भी बहुत ही रोने लगा था क्योंकि खाता नहीं है, फिर थक जाता है सबके साथ खेलते खेलते, और उसके बाद फिर इतना चिढ़ रहा था, रो रहा था। सो उसको संभाला, सबको संभाला, और बस जितना मुझसे हो, और बस उन लोगों को खिला दिया। और खाना खाने के बाद वो लोग सो गए थे, मैंने बाकी का अपना सारा काम किया। और फिर 4 बजे मेरे हस्बैंड आए, उनको भी खाना खिलाया, और 5 बजे तक ये मेरे जो गेस्ट आए थे वो लोग चले गए। तो यहाँ पे करीब शाम के 6 बजे थे और ये लोग तो चले गए थे, फिर उसके बाद मैं भी सोई नहीं थी। और यहाँ पे चाय पी के अपना ये जो एक प्लांट मैं लेके आई थी, फ्लावर वाला ही प्लांट है, और यहाँ पे हमारे नीचे ही बेचने वाले आए थे, उन्हीं से मैंने लिया था। सो ये फूल वाले प्लांट मुझे अच्छे लगे थे, और वो भैया बोल रहे थे कि ये इंडोर में भी आप रख सकते हैं। सो कुछ ऐसा मुझे पहले से ही चाहिए था कि फ्लावर वगैरह, और वो भी इंडोर में हो तो अच्छा लगता है। सो अभी तो ये फ्रेश है तो अच्छा लग रहा है, बट आगे आगे देखेंगे कि इंडोर में ये सही रहता है या नहीं। और यहाँ पे साथ में मैं मिट्टी लाई थी, ये सिरामिक का पॉट भी छोटा सा लेके आई थी, सो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पहले मिट्टी को तोड़ के डाला है, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला ना तो ये थोड़ी मिट्टी ज़्यादा हो गई थी, सो मैंने सोचा कि थोड़ी मिट्टी निकाल दूँगी और उसके बाद इसको ऐड करूँगी, वरना ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी, सो मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे फटाफट से पहले अभी इसको मैंने मिट्टी कम कर दी है, और चलिए फटाफट पहले मैं इसको रेडी कर देती हूँ। Thank you.
सो यहाँ पे मिट्टी ही मैंने एडजस्ट कर दी है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी इसके जो ब्लू कलर के फ्लावर्स थे अभी ये फ्रेश है तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक ये फ्लावर्स तो सूख गए थे और जो नए फ्लावर्स की जो कलियाँ थी वो इतनी खिली नहीं है। अब देखूँगी आगे आगे कितना सही रहता है। और साथ ही मैं आज मैंने सोचा कि सारे जो भी इंडोर प्लांट्स मैं रखती हूँ, 3-4 मेरे प्लांट्स हैं, तो इन सबको ही साथ में क्लीन कर देती हूँ। और मैंने एक ये जो कांच की बोतल होती है ना केचप की हमारी जो पड़ी रहती है, उसके अंदर मैंने पानी डाल के ये एक मनी प्लांट लगाया है। सो मैंने उसका पानी चेंज कर दिया है अभी तो, मुझे पता नहीं है कि इसका पानी कितने दिनों में चेंज करना है और चेंज करना भी है या मतलब सेम पानी ही लंबे टाइम के लिए रखना है, उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक बड़ा वाला ये इंडोर प्लांट है जो मैं सोफे के पास रखती हूँ, सो यहाँ पे बालकनी के पास रखती हूँ ना, तो इसके पत्ते में हर रोज़ बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। सो 2-3 दिनों के बाद मैं इसको इसके पत्ते को अच्छे से डस्ट करती हूँ इस तरह से, और उसके बाद पानी से थोड़ा वाटर स्प्रे करती हूँ ताकि ये थोड़े से हरे भरे लगने लगे। के बारे में एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि पहले मैं प्लांट नहीं रखती थी घर में, सो इतना मुझे फूलों के ऊपर प्लांट्स के मतलब इतना मुझे लगाव नहीं था, बट सबसे पहले मैंने ये बड़ा वाला प्लांट लगाया। उसके बाद बहुत टाइम से मुझे मनी वेल भी लगानी थी, सो मैंने वो लगाई और फिर मैं ये फ्लावर वाला लेके आई। सो धीरे धीरे अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं प्लांट्स और उनको देख के मुझे अच्छा लगता है। सो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे ही रखूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं रखूँगी, ताकि इसको वाटर मतलब जब मैं नहीं होती हूँ तो इसको इसकी केयर मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते, सो इतने ही रखूँगी कि जितनी मैं केयर कर पाऊँ और जिनको मुझे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। और धीरे धीरे मुझे लगता है एक दो प्लांट्स मैं और भी लेने वाली हूँ दिवाली तक, सो लूँगी तब मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये जो मेरा प्लांट है ये थोड़े दिनों पहले ही मैंने लिया था, और ये वाला जो मैं नया लेके आई हूँ आज वाइट वाला, सो इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें मैं सेल्स वगैरह रखती हूँ डेकोरेट करने के लिए, ताकि ये मिट्टी है वो डायरेक्ट ना दिखे और सेल्स वगैरह दिखने में भी अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा भी उसको मैं डेकोर करूँगी। जो भी सेल्स में ये डब्बे में भर के रखती हूँ ये सब रियल सेल्स है, और हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे समंदर है, तो जब भी हम लोग बीच पे जाते हैं तो वहाँ से मैं बहुत सारे सेल्स है वो लेके आती हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं वो सब, तो इस तरह से एक डिब्बे में भर के स्टोर करके रखती हूँ ताकि ये सूख ना जाए। और इसे अगर ऐसे ही हम खुले रखेंगे ना ये रियल सेल्स को तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा स्टोर करना अच्छे से पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए शाम हो गई है, और जो भी सारे प्लांट्स थे उनको मैंने उनकी जगह पे रखा है, और ये वाला जो नया लाई थी ये मुझे मैंने ओवन के ऊपर अभी तो रखा है, बट अभी यहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है, और ये एक वाला यहाँ पे रखा है। तो चलिए बस अब इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को भी एंड। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।